मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सीएम दिवंगत वसंतराव नाइक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा में वसंतराव नाइक को भारत रत्न देने की मांग उठाई। आज नाइक की 111वीं जयंती है। कांग्रेस नेता नाइक 1963 से 1975 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर विजनलेस मुख्यमंत्री थे। 5 साल तक कर्ज लेना ही उनका मॉडल था। 5 साल क्या कार्य किए इसका कोई रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष नहीं रख पाए। जनता ने विधानसभा चुनाव में हारकर विपक्ष में बैठाया, फिर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को भाजपा नेता गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पोर्श का मामला गरमाता जा रहा है। नाबालिग की रिहाई को लेकर पुणे पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे पुलिस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। देशपाल हत्याकांड केस में पुलिस ने चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को भी आरोपी बनाया गया है। हत्याकांड मामले में पुलिस की छानबीन में दोनों की संलिप्तता सामने आई थी। कई आरोपियों ने अपने बयान में कहा था कि जेल में बंद अली और उमर को उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जानकारी थी और हत्याकांड को अंजाम देने वालों से उनकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया है। चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में अब उम्मीदवारों की घोषणा भी हो रही है। वहीं अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने प्रज्ञा राजीव सातव को टिकट दिया है। बता दें कि आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों शोर हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सिक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के पक्ष में सीएम सिक्खू ने रैली की। वहीं सीएम सिक्खू ने बागी विधायकों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमल खरीद कर चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व विधायकों के साथ जनता नहीं है। इंजीनियर रशीद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए एनआईए से मिली सहमति पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने इसका स्वागत किया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें शपथ लेने की इजाजत तो मिल गई पर रिहाई नहीं मिल पाई। ऐसे में 12 मुला को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। साथ ही कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भाजपा के सदस्य भी शामिल थे। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में भाजपा संगठन में फेरबदल की तैयारी है। नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिल सकता है। पार्टी में कई नामों पर उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। जातिगत समीकरणों तथा नेताओं के प्रभाव को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है।